वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके सब बच्चों को घरों में अल्लाह पाक सुख दे, सेहत दे। तो आज जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से हम घर में छोटी सी दावत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जो है ना, एक सिस्टर है होलैंड से, आंटी है, आंटी उसकी बेटी, और वो दोनों मिलके दावत करवा रही हैं। जी। तो अल्लाह पाक उनका देना कबूल करे, हमारा करना कबूल करे। जी बिल्कुल। तो उसने है, कहा है कि 8 मुर्गियां लेके घर में ज़िबा करना है, सदका खैरात करनी है। जी। तो हम 8 मुर्गियां लेके आ गए हैं। तो ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अभी इनको ज़िबा करेंगे और इनका गोश्त बनाएंगे। और जो है ना, ये एक डेग में गोश्त नहीं खा सकता, क्योंकि 2-2 किलो की मुर्गियां हैं, 2.5 किलो की है, और जो है ना, इनका वजन 16 किलो गोश्त बन रहा है। तो 8-8 किलो की दो बना रहे हैं, 2 डेगे बना रहे हैं। तो हमने सोचा कि फिर उसने तो कहा है ना, 8 मुर्गियां होनी चाहिए, तो हमने 8 पूरी लिए। नहीं मिल सकता था, गोश्त ज्यादा हो गया, गोश्त ज्यादा होता है। जो है ना, हम ये ज़िबा करके और ये अभी शुरू करते हैं देग बनाना। बच्चे भी आ जाएंगे कुछ देर तक, वो लग रहे हैं, बस थोड़ी देर है, तो वो भी दुरुशी पढ़ेंगे। और जो है ना, उन बच्चों को भी उधर बिठा देते हैं, जो भी इधर गरीब लोग हैं जिनके बच्चे यतीम हैं, उनको भी बुला लेंगे सबको। तो जैसे ही आगे जो है ना, हम शुरू करेंगे देगे बनाना, रोटियां बनाना, और फल फ्रूट लेंगे, और जो भी है सब कुछ हम रख के फिर जो है ना, लख दुरूद का खत्म करवा के, इंशाल्लाह ये दावा तकसीम करें। जी इंशाल्लाह। अभी इनको ज़िबा करते हैं और इनका गोश्त छोटा छोटा करके फिर बनाते हैं। गोश्त हमने बना के डाल दिया है, अभी ये दूसरी देग वो बन रही है, और दूसरी देग का ये गोश्त बन रहा है। अभी जी, ज़िबा होके मुर्गिया जो है छोटा छोटा उसको काट के ना बना रहे हैं। तो एक देग जो तैयार हो गया है, वो अभी जाके दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से एक देग हमने तैयार कर ली है, तो दूसरी देग का ये सामान अभी रेडी है। तो जो है ना, वो मिसाले भाई जान जो है ना, तिरका लगा रहे हैं। तो ये देख तैयार है, एक देख माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है, तो वो भी हम दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, कितना प्यारा गोश्त बना हुआ है, खुशबू देखें कितनी। तो ये देख दूसरी जगह, ये तैयार हो रही है अभी, तो कुछ देर तक ये भी तैयार हो जाती है फिर इंशाल्लाह। रोटी अभी बना रही है, तो बाद में जो है ना, फिर बच्चे भी आ जाएंगे, और जिन जिनको बुलाया है सब आ जाएंगे, सबको दुरुस्ती भी पढ़ेंगे, वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक जो है ना, ये दावत इनकी की हुई कबूल करे। जी। तो हम भी पूरा ध्यान से ये दावत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि बच्चे खाएंगे, बहुत ज़्यादा दुआ करेंगे। जी बिल्कुल। तो ये सदका खैरात है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो करनी चाहिए दावत भी। देगों का इंतज़ाम जो हमने किया है, वो तैयार होकर अंदर आ गई हैं। तो अभी हम जो है ना, फ्रूट बना रहे हैं, ये सेब हो गए और ये बनाना, तो केले। तो जो है ना, इनको छोटा छोटा काटेंगे और साथ मिलके बना रहे हैं हम। तो जो है ना, फिर इंशाल्लाह रोटियां भी बन के आ गई हैं सारी मुकम्मल। तो इंतजाम सारा हो गया है तकरीबन। जी, अब सारा कुछ उधर ही सेट कर, बच्चे बस आने वाले हैं, वो अभी पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो कहा कि पहले ये सारा सामान जो है ना सेटअप करके, बस उस वक्त उनको बिठाए बच्चों को, वो पढ़े और उनको खाना खिलाए। जी इंशाल्लाह। गोश्त हमारा तैयार हो चुका है, एक देग ये बन चुकी है और दूसरी देग, तो जो है ना, बस 2 देगे तैयार हो गई हैं। तो अभी जो है ना, हम अंदर जाके बच्चों को भी दिखाते हैं। बच्चे आए हुए हैं, वो बच्चे भी आए हुए हैं। जी, तो वो पढ़ रहे हैं अभी अंदर। हाँ, वो पढ़ रहे हैं। तो वो पढ़ लेंगे तो मौलवी साहब आएंगे, तो वो दुआ मंगवाएंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना, दावा शुरू करेंगे। हाँ, दावा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो आप सब बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से आंटी है, उसके लिए आप सब बहन भाइयों ने खुसूसी दुआ करनी है कि उसको बहुत ज्यादा परेशानी है, बीमार है बहुत ज्यादा। तो अल्लाह पाक उसे भी सुख सेहत दे और उसकी बेटी की आसानियां पैदा करे अल्लाह पाक। जिसके लिए, जिस मकसद के लिए उन्होंने दावत कराई है, तो उनका मकसद पूरा हो। उन्होंने ये दावत करवाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बहन भाइयों को भी अल्लाह पाक सुख सेहत दे, हर मोमिन मुसलमान को अल्लाह पाक सुख सेहत दे। माशाल्लाह से बच्चे आ चुके हैं पढ़ने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये बच्चे दुरुशी पढ़ रहे हैं। अच्छा, 1000 मरतबा आपने पढ़ना है दुरुशी, ठीक है? और सूरत यासीन भी 41 मरतबा पढ़नी है आपने, ठीक है? हाँ, ये पढ़ें आप, शुरू करें। बच्चे जो है ना, दुरुशी पढ़ चुके हैं, अभी दुआ कर रहे हैं सब लोग। बड़े मौलवी को बुलाया है, तो सारा जो है ना, खास हाउलैंड की जो सिस्टर है उनके लिए दुआ कर रहे हैं, मतलब उनको सुख दे, उनकी पूरी फैमिली को, पूरी फैमिली को सुख सेहत दे, और अल्लाह पाक जो है ना, इसकी बच्चों के लिए आसानियां पैदा करे सबके लिए।
तो ये फल फ्रूट जो है ना बच्चों को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से सब बच्चे भी और जो है ना मिल के खा रहे हैं, कुछ भी बच्चे हुए हैं उनको भी देते हैं, सालन दे रहे हैं बच्चों को, रोटियां भी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी दावत होगी, अल्लाह ताला हमारी ये दावत कबूल करे। कुछ जो कैमरे के आके नहीं आना चाहते तो वो भी औरतें खा के कुछ चली गई हैं, कुछ अभी बची हैं। तो दो दिन का इंतजाम था, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ है। तो सब ने खाई है, तो अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से ये बोतलें भी उनको देते हैं। अभी अंदर भी एक बोतल बड़ी आई हुई है, वो दिखा देते हैं। वो भी देते हैं और ये भी अभी खाना खा ले, फिर साथ साथ बोतलें भी देंगे उनको, ठीक है। तो अबू जी औरतों को भी इनको भी बिठाते हैं, औरतों की बिठा के ना उनको भी खिला देते हैं। जी अभी बच्चों ने रोटी खा ली है और बच्चों को बोतलें कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है ठीक है, सारी बच्चों को दे दो बोतलें, ठीक है। जी तो उधर खिलाने खिलाते हुए मैं जो ना इधर वीडियो नहीं बना सकी, कुछ औरतें मेरी चली गई, तो ये खा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बच्चे इनको अभी रोटियां जो है ताजी बना के देना पड़ेगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी दावत हो गई है, सब फैमिली खा के जा चुके हैं, क्योंकि कुछ वीडियो के सामने आना चाहते हैं, कुछ नहीं आना। बिल्कुल, तो इसलिए जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत बड़ी अच्छी दावत हुई है। अल्लाह पाक उनका करना कबूल करे, हमारा देना कबूल करे। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।